सारे दर्शकों ने मेरी राम राम। मैं प्रियंका कोहाड़ और इस समय हम मौजूद है मखंड गांव में, जो कि जींद जिले का गांव है। और हमारे साथ मौजूद है मखंड गांव से सरपंच पद के भावी उम्मीदवार तुषार जी। उनसे बात करेंगे कि किस प्रकार की विचारधारा लेकर वो चल रहे हैं, गांव में किस प्रकार का सुधार करेंगे, डोर टू डोर लोगों से मिल रहे हैं तो किस प्रकार की समस्याएं सामने आ रही है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर आप डोर टू डोर लोगों से मिल रहे हो? हाँ जी, मिलना चलना तो ऐसे ही चलता रहता है, इलेक्शन में मिलना ही चाहिए। डोर टू डोर मिल रहे हो तो समस्याएं भी सामने आ रही होगी। समस्याएं डोर टू डोर मिलने से पहले ही सामने आ चुकी हैं। समस्याएं कोई वो तो है नहीं कि बिल्ली के सामने से कबूतर चला जाएगा और हम आँख बंद कर ले हमको पता नहीं चलेगा। समस्याएं हम भी इस गाँव में ही रहते हैं, हमको पता है क्या समस्याएं आ रही है। लोगों से कोई वो तो है नहीं कि MLA मंत्री है, कोई पता नहीं चलेगा अभी क्या समस्या है। हम डोर टू डोर मिलते हैं लेकिन कुछ माताएं बहनें मिलती हैं हमें, जब डोर टू डोर मिलते तो उनकी भी कुछ समस्याएं सामने आती है। समस्याएं माताओं बहनों की तो सबसे ज़्यादा यही है कि अब जैसे कि हम इस एरिया में आए हुए हैं, ये बाल्मीकों का एरिया है और आगे जो बस्ती फिर जाटों की आ जाती है। आपको पता है आजकल भारत देश के अंदर रोजगार करना कितना मुश्किल हो गया है। इनकी छातें टपकती हैं बेचारों की, इनकी जैसे छातें टपकती हैं ऊपर से पानी आता है, नीचे सोना इनका मुश्किल हो जाता है। गाँव में कोई बस की सुविधा नहीं है, गाँव के अंदर कोई गलियाँ चौड़ी नहीं है, अवैध कब्जे हो रखे हैं गाँव के अंदर। और गाँव के अंदर जैसे ही आप देखते हो जगह जगह कोई पानी की निकासी का सिस्टम नहीं है। समस्याएँ बहुत सारी हैं, अनेक समस्याएँ एक नहीं है। एक और समस्या आती है सर सामने, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीमें देती है गरीबों के लिए लेकिन वो गरीब तबके के जो लोग होते हैं उन तक पहुंच ही नहीं पाती है। ऐसा है जी, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीमें देती नहीं है, देती रहेगी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर हम डिपेंड नहीं रह सकते, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर हम डिपेंड नहीं रह सकते। अगर आपका प्रतिनिधि गाँव का कोई अच्छा चुनाव वालों व्यक्ति है तो वो आपके गांव के अंदर विकास करवा सकता है, अपने भी आप पे भी करवा सकता है। कुछ एक चीज़ें सामाजिक का जो हम करवा सकते हैं, हमारे गांव के अंदर से हर महीने लाखों रुपए बाहर के प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, करोड़ों रुपए हर साल जा रहे हैं। अगर हम लोग चाहें अपने बच्चों को फ्री में ट्यूशन गाँव में दे सकते हैं, फ्री में शिक्षा अपने बच्चों को गाँव में दे सकते हैं। और ये जो टीचर हमारे हैं इनको हम संभाल के इनकी मीटिंग लेकर के अपने स्कूल को बेहतर बना सकते हैं और अपना पायदान ऊंचा कर सकते हैं शिक्षा के अंदर। जो ये हमारे गरीबों के बच्चे हैं आगे पढ़ नहीं पाते, इनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए तुषार जी, मतलब धरती से जुड़े हुए लोग हैं, जो भी मतलब गरीब लोगों के बारे में सोच रहे हैं, एक अच्छी चीज़ उन्होंने बताई कि बहुत सारा पैसा बाहर जाता है प्राइवेट स्कूलों के जरिए, तो हम अपने गांव में भी रख सकते हैं, अपने गांव में लाइब्रेरी वगैरह की सुविधा करके यहां पर बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। लाइब्रेरी के लिए हमने पहले भी कोशिश की थी लेकिन क्या हुआ कि उस टाइम पे ये आंदोलन चल पड़ा, उसके करके हम वहां पे चले गए तो साल एक डेढ़ साल हमारा वहां पे लग गया। लाइब्रेरी की ज़रूरत हमें तभी पड़ेगी जब बच्चे पढ़ने के इच्छुक होंगे। इच्छा शक्ति जो गाँव में बच्चों की है वो मरती जा रही है क्योंकि सिस्टम इतना खराब हो चुका है। इस सिस्टम को हमें सुधारना है तो अगर इस सिस्टम को हमें सुधारना है तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, युवा सोच को लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर सर बात खेल कूद की करें, गांव के बच्चे बहुत होनहार होते हैं तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जी, मैं छोटा था तब हमारे परिवार में से एक, मेरे को इतना इस बारे में नॉलेज नहीं है लेकिन जिसके ऊपर बीती है वही समझा सकता है। मैं छोटा था, हमारे परिवार में एक जो भाई लगता है वैसे तो बड़ा है, वो पहलवानी करता था। उसको मतलब बढ़िया, उसके जोर थे, बढ़िया कुश्ती करता था और बढ़िया खिलाड़ी था। लेकिन उसको साथ में ही तो पहलवानी करनी है, इस गांव के बच्चे को साथ में ही कबड्डी खेलनी है, साथ में उसको परोठा पुली लानी है, साथ में उसको पढ़ाई करनी है, साथ में उसके पास डाइट नहीं है तो ये सब चीज़ें सुविधाओं के अभाव में बच्चा पीछे रह जाता है। टैलेंट की कमी नहीं है, सुविधाओं की कमी है और हम पंचायत के माध्यम से वो सुविधाएँ बच्चों को उपलब्ध कराने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। इसके लिए हमने एक तरीका भी आज़ाद किया है कि जो भी हम अपनी मांगे हैं, जो हमने सोची हैं, हमें एक एफिडेविट के माध्यम से, हमने जो भी हमारा मैनिफेस्टो है वो एफिडेविट के माध्यम से जारी किया है। एफिडेविट के ऊपर जो इंडियन पिनल कोड 200 के तहत CRPC की धारा 193, 195 और 300 के तहत हमारे ऊपर अगर फॉल्स एफिडेविट हम देते हैं तो उसके तहत मुकदमा चल सकता है और 3 से 7 साल की सज़ा हो सकती है। अब जो एजुकेटेड पर्सन है वो यहाँ पर आएंगे, वो इस बातों को समझ सकते हैं, मैनिफेस्टो समझ सकते हैं लेकिन इन लोगों के दिमाग में ये बातें जानी चाहिए। मैं आपको मैनिफेस्टो भी दिखाऊंगा, उसके अंदर हमारी क्या क्या मांगे हैं वो भी दिखाऊंगा और असल में आपको बता ही देता हूँ हमारी क्या क्या मांगे हैं ताकि आम जनता तक भी पहुँच सके। और अगर आपके गांव में भी कोई भाई खड़ा है तो आप उसे एफिडेविट की मांग करें ताकि वो आपको कहीं छोड़कर भाग ना सके और भागे तो आप उसका प्रबंध कर दें। हमारी पहली मांग है जी, विधवा व बुढ़ापा पेंशन घर घर पहुँचाई जाएगी, गाँव की ढाणियों तक पीने के पानी की सप्लाई, सभी कच्चे रास्ते पक्के किए जाएंगे, सभी डाणियों तक बिजली के पोल पहुंचाए जाएंगे, गांव की हर गली के मुहाने पर कचरा दान रखाए जाएंगे, पानी की निकासी गांव से बाहर की जाएगी, लड़कियों के स्कूल व कॉलेज जाने के लिए विशेष रोडवेज बसों की व्यवस्था करवाई जाएगी, हर घर के आगे गोबर उठाने के लिए कचरा गाड़ी आने का प्रबंध करवाया जाएगा, सभी गलियों के अंदर CCTV कैमरे लगवाए जाएंगे, सरपंच का हर माह का वेतन गरीबों में दान किया जाएगा, स्पोर्ट्स के बच्चों की डाइट का हर संभव खर्च पंचायत के द्वारा वहन किया जाएगा, इसके अलावा आश्रितों के लिए रोटी बैंक खोला जाएगा,
गांव के अंदर ही नशा मुक्ति केंद्र खोला जाएगा। हर माह गांव में डॉक्टरों की टीम आएगी और स्पेशल एम्बुलेंस की व्यवस्था गांव की तरफ से की जाएगी। गांव के सरकारी स्कूल को प्लस टू तक करवाने की हम कोशिश करेंगे। सभी गलियों के अंदर लाइटों की उचित व्यवस्था कराई जाएगी। गाँव में महिलाओं के लिए सिलाई मशीन केंद्र खुलवाया जाएगा। हर वर्ष गाँव की महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को तीर्थ यात्रा पर ले जाने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। हर बेटी की शादी में भोज का खर्च ग्राम पंचायत वहन करेगी। अब जितने भी हमारे गांव में चाहे सामाजिक लोग हैं, चाहे वो जाट हैं, चाहे वो हरिजन हैं, चाहे वो नाई हैं, चाहे वो कुम्हार हैं, सभी बिरादरियों के जो लोग हैं, 36 बिरादरी के लोग अपनी बेटी की शादी पे मोटा कर्ज लेके वो शादी पे लगाते हैं। हमारे गाँव में पहले एक बड़ा अच्छा प्रबंध है कि डीजे की यहाँ पर बंदी है, लेकिन उसके बाद में जो अगर हम आते हैं, हमारा साथ ग्राम की जनता देती है, तो हम गाँव के अंदर सबके लिए सेम रूल बना देंगे, सबके लिए एक ही रूल बनाएंगे और उस पर गांव को फॉलो करना पड़ेगा, ताकि हमारी बच्चियों की शादी में जो अवैध खर्चे हैं वो ना हो करके उनके परिवार को सहयोग मिले और वो कमज़ोर ना हो। सारा गांव अगर मिलकर चाहे तो किसी को भी जोर नहीं आएगा किसी बेटी की शादी करने में, उसका भी हम प्रबंध करने की कोशिश करेंगे। हर बेटी की शादी के खर्च के बाद गाँव के अंदर पढ़ने के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाएगी। गाँव के अंदर हर माह पंचायत की जाएगी, जो हमें ग्रांट मिलेगी उस ग्रांट का हिसाब किताब गाँव में पंचायत करके खुलेआम गांव के पंचायत का जो खाता होगा उसकी स्टेटमेंट गांव के हर व्यक्ति को दी जाएगी, वो जो चाहे अपनी पूछताछ कर सकता है। ठीक है, गांव के अंदर फ्री पौधा वितरण किया जाएगा ताकि साफ सफाई हो। गांव के सहयोग से सभी स्कूल के बच्चों को फ्री ट्यूशन देने की व्यवस्था कराई जाएगी। हमारे यहाँ पे एजुकेटेड लड़के हैं जो MSc भी कर चुके हैं, जो मास्टर्स भी कर चुके हैं, MD भी कर रहे हैं, वो बच्चे PhD करे हुए भी हैं, लेकिन वो क्या है कि अपना टैलेंट, अपना समय जो शाम के अंदर है, वो अपना समय इन बच्चों को दे पाएं जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ताकि ये इनकी ज़िंदगी में खेलते ना रह जाएं, ना इनकी ज़िंदगी खेल बन के रहें, ये भी पढ़ें और ये भी पढ़ें। इसके बाद में हमारी जो मांगे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों को कॉलोनी और सरकारी योजनाएं देने का लाभ किया प्राप्त किया जाएगा। ये 25 मांगे हमारी जो हम देने की कोशिश पूरी करेंगे, ये हम कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। हमने ऐसा कुछ कहा नहीं है कि गांव में एयरपोर्ट बना देंगे, गांव में कुछ और करवा देंगे या स्टेडियम वगैरह की जो कुछ मांगे हैं वो बाद में पॉसिबल होगी, लेकिन मैंने जो एस्टिमेट लगाया उसके हिसाब से मैं इन 25 मांगों को ही पूरा इस समय कर पाऊँगा। गाँव की जनता अगर मेरा साथ देती है तो गाँव के अंदर आने वाले समय में, मैं ज़्यादा तो कहूँगा नहीं, आने वाले समय में गाँव के अंदर, इस जींद जिले के अंदर, इस गांव को लोग देखने आएंगे और इस गांव की मिसाल देंगे कि वो भी एक गांव था, उसमें क्या था। आप इसकी फुटेज बना के ले जाना, इस गांव की गलियों की, इस गांव में पानी की निकासी की और बद से बदतर हालात की, इनके घरों की फुटेज बना के ले जाना, और आप फिर मेरे को अगर इसमें मौका मिलता है और मेरे आने के बाद आप 2 साल के अंदर या 1 साल के अंदर आना, आपको नक्शा चेंज हुआ नहीं मिलेगा, तो मैं कुछ भी जो सजा होगी वो भुगतने को तैयार हूँ। एफिडेविट आपके पास है, इस गांव का नक्शा बदला जाएगा, इस गांव की सूरत बदली जाएगी, इस गांव का नाम किया जाएगा। लोग अगर छोटी सी नौकरी मिल जाती है ना तो गांव छोड़ के शहर चले जाते हैं। हमारे पास सारी सुविधाएं हैं अपने लिए, अपने आप के लिए, लेकिन इतने भी संपन्न नहीं है कि सभी को दे पाएं, इसलिए हम गांव, शहर छोड़ के गांव में आए हैं। शहर छोड़ के लोग विदेशों में जा रहे हैं, गांव छोड़ के लोग विदेशों में जा रहे हैं। हम यहां के बच्चों को यहीं रखना चाहते हैं, ये गांव आने वाले समय में खाली हो जाएंगे अगर आपने आज भी हमें नकार दिया तो, क्योंकि हम भी फिर आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। ये आएंगे शराब पिलाएंगे, शराब पिलाने वालों का आपको बायकॉट करना है। 100-200 की बोतल के लिए आप ये सोचो कि आपकी कॉलोनी जा रही है, आप ये सोचो कि आपके बच्चों की पढ़ाई जा रही है, आप ये सोचो कि आपके बच्चों के लिए खेल कूद की सुविधा जारी है, आपका राशन पानी जा रहा है, आपकी ज़िंदगी गर्त में जा रही है, वो मल्टा जो है कैप्सूलों की सबसे घटिया शराब आपके शरीर के अंदर जा रही है, आपको शरीर से भी खोखला कर रही है, आपके परिवार को भी खोखला कर रही है। 10 दिन अपने ऊपर कंट्रोल कर लो, ये शराब पैसा जो दे रहा है उस पर भी कंट्रोल रखो और अपने आप को सही रख के सही जगह सही का चुनाव करो, मैं तो ये कहता हूँ, ताकि गांव का विकास हो सके। बहुत बहुत बढ़िया भाई, सारे मिलकर भाई वोट दियो और यदि सरपंच बनाए दो इसका और फिर देखियो क्या होगा। तो देखिए तुषार जी के अपने विचार सुने, जो कि मखंड गांव से भावी उम्मीदवार है सरपंची के, तो उनके विचार आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और तस्वीरों को मांगे कोई ज्यादा से, और जैसे तुषार जी ने बताया कि जो एफिडेविट के जरिए इन्होंने सारी योजनाएं इन्होंने बताई है कि जो लागू करेंगे ये गाँव में, तो वो चीज जरूर आप भी अपने गाँव में जो भावी सरपंच है उनसे मांगे, और तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे, जय हिंद।